अब हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने तीन अंकों तक की संख्याओं को जोड़ सीखा, चार अंकों तक की संख्याओं को जोड़ सीखा। अब पांच अंकों तक की संख्याओं का हमें क्या करना है, जोड़ पढ़ेंगे। पांच अंकों की संख्याओं का जोड़ देखो और समझो। यहाँ पे उदाहरण दिया है, उदाहरण एक उदाहरण दो। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 संख्या मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 1, 2, 3, 4, 5 पांच अंकों तक की संख्याओं का जोड़ हमें देखना है। इसमें पांच पहली संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 32,785 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 13,213 को जोड़ना है। 5 धन 3 बराबर 8, 8 धन 1 बराबर 9, 2 धन 7 धन 2 बराबर 9, 3 धन 2 बराबर 5, 3 धन 1 बराबर 4 सबको जोड़ना है ना। वैसे ही इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये दूसरा उदाहरण में हजार, 10,000, इसमें भी पांच अंकों मतलब कि 10,000 तक की संख्याओं को जोड़ना है। 5 धन 6 बराबर 11, 11 की 1 हासिल में आई 1। 6 धन 1 धन 2 बराबर 9, 6 धन 1 मतलब कि 7, 7 धन 2 बराबर 9, 8 धन 0 बराबर 0, 5 धन 6 बराबर 11 की 1 हासिल में आई 1, 6 धन 1 7 धन 2 बराबर 9। ऐसे ही इन यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई है इन, और इन संख्याओं को जोड़ना है। यहाँ पे दो संख्या दी हुई है, और क्या बोलते हैं, दो संख्या, तीन संख्या दी हुई है, इन सभी को हमें जोड़ना है। चलो जोड़ कर देखते हैं। पहली संख्या है 56,784 और 48,775। 56,784 और दूसरी संख्या है 48,765 को जोड़ना है। 4 धन 5 बराबर 9, 8 धन 6 बराबर 14, 14 की 4 हासिल में आई 1, 7 धन 7 बराबर 14 धन 1 बराबर 15 की 5 हासिल में आई 1, 8 धन 6 बराबर 14 1 15 की 5 हासिल में आई 1, 4 5 धन 1 बराबर 6 धन 4 बराबर 10। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसमें आया लाख में 1,05,549। ये पहला था। ऐसी ही दूसरा कोई बनाना है। दो अंकों की संख्या दी हुई है 27,835 और 308, 308 इनको हमें जोड़ना है। तो 8 धन 5 बराबर कितना होगा, 13 की 3 हासिल में आई 1, 3 1 4 धन 0 4, 8 धन 3 बराबर 1, 11 11 की 1 हासिल में आई 1, 7 1 8 और 2 2 28,143 है ना। वैसे ही तीन अंकों की संख्याओं को देखते हैं, सॉरी पांच अंकों की संख्या है लेकिन तीन ठो है। तीन संख्याओं को एक साथ जोड़ने की को जोड़ते कैसे हैं उसको देखते हैं। 40,312, 5,040, 5,040 और 809 तीनों को जोड़ेंगे। 9 धन 2 बराबर 11 की 1 हासिल में 1, 1 2 1 धन 2, 1 धन 1 2 धन 4 बराबर 6, 8 3 11 की 1 हासिल में आई 1, 5 1 6 और 4 कितना आया, 40,161। वैसे ही और बाकी संख्याओं को हमें जोड़ते जाना है। अब पांच अंकों की संख्या में घटाना देखते हैं। अभी तक हमने जोड़ देखा, अब घटाना देखते हैं। तो घटाना देखते हैं, और इसमें भी उदाहरण दिए हुए हैं, उदाहरण एक और उदाहरण दो, उदाहरण एक और उदाहरण दो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसमें भी पांच अंकों की संख्या मतलब 10,000 तक की संख्या आएगी। 5 में 4 गया तो 1, 3 में 1 गया तो 2, 9 में 8 गया तो 1, 8 में 7 गया तो 1, 6 में 4 गया तो 4 घटाएंगे तो कितना बचा, 2, तो कितना आया,
21,121। वैसे ही दूसरा उदाहरण देखते हैं, इसमें भी इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार दस तक 10,000 की संख्याओं को जोड़ना है ना। 8 और 9 को सॉरी जोड़ना नहीं घटाना है, 8 में 9 नहीं जा सकता, इसलिए 8 को क्या बनाएंगे, 18। 18 में 9 गया तो 9, अब ये 1 क्या 0 हो गया, 0 में 0 गया तो 0, 9 में 7 गया तो 2, 3 से 4 नहीं जा सकता, इसलिए 3 को क्या बनाएंगे, 13। 13 में 4 गया तो 9, ये क्या बन गया, 2, 2 में 1 गया तो 1। वैसे ही इन संख्याओं को भी हमें घटाना है ना, दी हुई संख्याओं को घटाना है। 80,780 में 59,726 को हमें घटाना है। 80,780 में 59,726 को हमें घटाना है। 10 में से 6 गया, 0 है मतलब कि ये हो गया 10, 10 में से 6 गया तो 4, ये बन गया 7, 7 में से 2 गया तो 5, 7 में 7 गया तो 0, ये 10 में से 9 गया तो 1, ये बन गया 7, 7 में से 5 गया तो 2। 21,054 क्या आया, 21,054। वैसे ही दूसरी संख्या को भी जोड़ते घटाते हैं, पहला था ये दूसरा, घटाने के लिए क्या दिया हुआ है, 73,405 और 68,349। 73,405 और 68,349 को घटाना है। 15 में ये 5 है, 15 हो गया, 15 में 9 गया तो 6, 10 था जो इसको हासिल लेके 9 बन गया, 9 में से 4 गया तो 5, ये इसको हासिल दिया तो कितना बचा, 3, 3 में से 3 गया तो 0, 13 ये हो गया 13, 13 में 8 गया तो 5 और ये 6, 6 में 6 गया तो 0, कितना आया, इकाई दही सैकड़ा 1,000, 5,056। ऐसी ही सभी संख्याओं को हमें घटाना है। अब इन सवालों को बनाने के बाद अब तुम समझ ही गए होगे कि 5 अंकों की संख्याओं का जोड़ना और घटाना भी ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार की 2 अंकों या 3 अंकों या फिर 4 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना या घटाया जाता है। 5 अंकों से अधिक की संख्याओं को जोड़ने और घटाने का तरीका भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब देखेंगे क्या 6 अंकों और 7 अंकों की संख्याओं का जोड़। उदाहरण दिया है, उदाहरण 1, उदाहरण 2, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों तक की संख्याओं का हमें क्या करना है, जोड़ करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 अंक मतलब कि लाख तक पहुँचेगा, है ना। तो इकाई में जोड़ देखते हैं, 8 और 3, 8 धन 3 बराबर 11, 11 की 1 हासिल में आई 1, 2 धन 1 बराबर 3, 6 बराबर 9, सैकड़े में 4 धन 5 बराबर 9, 8 धन 3 बराबर 11, 11 की 1 हासिल में आई 1, 5 धन 1 बराबर 6, 4 10, 10 की 0 हासिल में आई 1, 7 धन 1 बराबर 8, 10 1 बराबर 9। वैसे ही उदाहरण 2 को देखते हैं, इसमें भी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये क्या है, 7 अंकों तक की संख्या है और ये 6 अंकों तक की संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अंक मतलब कि 10 लाख और 6 अंक मतलब कि लाख। तो दोनों संख्याओं को एक साथ हमें जोड़ना देखते हैं। तो इकाई में क्या है, ये इकाई में क्या दिया, 7 धन 6 बराबर 13, 13 की 3 हासिल में आई 1, 8 धन 1 बराबर 9, 10 बराबर 9, 4 धन 8 बराबर 12 की 2 हासिल में आई 1, 5 धन 1 बराबर 6, 10 3 बराबर 9, 8 धन 3 बराबर 11 की 1 हासिल में आई 1, 6 धन 1 बराबर 7 और 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 ही आएगा, है ना, 7 धन 2 बराबर 9। अब कुछ अभ्यास दिए हुए हैं, उन्हें हमें जोड़ना है, 7 और 6 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना है।
एक दो तीन चार पाँच छः, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, लाख तक की संख्या है। पाँच धन तीन बराबर आठ, नौ धन जीरो बराबर नौ, सात धन तीन बराबर दस, दस की शून्य हासिल में आई एक, आठ धन तीन धन एक बराबर चार, चार धन आठ बराबर बारह, बारह की दो हासिल में आई एक, सात धन एक, छः धन एक बराबर सात, सात धन सात बराबर चौदह, चौदह की चार हासिल में आई एक, दो धन एक बराबर तीन। कितना आया? चौंतीस इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, तीन लाख चार बयालीस हजार अंठानबे, है ना। उसके बाद ये है इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, दस हजार तक की संख्या है ऊपर में, और नीचे में इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, लाख तक की संख्या, मतलब कि ये पाँच अंकों की संख्या है, छः अंकों की संख्या। सात धन जीरो बराबर सात, जीरो धन छः बराबर छः, जीरो धन आठ बराबर आठ, पाँच धन तीन बराबर आठ, सात धन पाँच बराबर बारह की दो हासिल में आई एक, एक धन एक बराबर दो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, ये दस लाख तक की संख्या है, मतलब कि सात अंकों की संख्या। ये जो संख्या दी हुई है वो सात सात लाख तक की संख्या है। तो देखते हैं इसको जोड़, छः धन सात बराबर तेरह, तेरह की तीन हासिल में आई एक, चार धन एक बराबर पाँच, धन दो बराबर सात, छः धन पाँच बराबर पाँच, धन छः बराबर कितना होगा ग्यारह, ग्यारह की एक हासिल में आई एक, पाँच धन तीन बराबर आठ, धन नौ बराबर एक, दस बराबर नौ, पाँच धन तीन बराबर आठ, आठ धन एक बराबर नौ, आठ धन तीन बराबर एक, ग्यारह, ग्यारह की एक हासिल में एक, सात धन एक बराबर आठ, आठ नौ दस, दस की शून्य हासिल में एक, छः धन एक बराबर सात, आठ नौ दस, इसमें भी आएगा दस। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़, करोड़ तक की संख्या आई। एक करोड़ उन्यासी हजार उन्नीस हजार एक सौ बहत्तर तिहत्तर। ये देखते हैं, पाँच धन नौ धन पाँच बराबर नौ दस ग्यारह तेरह चौदह, चौदह की चार हासिल में आई एक, चौदह की चार हासिल में आई एक, पाँच धन एक बराबर छः, छः पाँच धन दो बराबर सात, चार धन तीन बराबर पाँच, नौ धन नौ बराबर अठारह की आठ हासिल में एक, नौ धन एक बराबर, नौ धन एक बराबर दस, दस पाँच पंद्रह। इकाई दही सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, पंद्रह लाख पचासी हजार सात सौ चौंसठ। इसी प्रकार इन दी हुई संख्याओं को भी हमें जोड़ना है, जो छः अंकों और सात अंकों की संख्याएं हैं, है ना, उन्हें हमें जोड़ना है। अब देखेंगे घटाना, छः और सात अंकों वाली संख्याओं में घटाना। देखो उदाहरण एक और उदाहरण दो, दो उदाहरण दिए हुए हैं, एक छः अंकों की एक सात अंकों की, अंकों को घटाने का। आठ में पाँच घटाएंगे तो कितना आएगा तीन, तीन में एक गया तो दो, पाँच में सात नहीं जा सकता है इसलिए पाँच को क्या बनाए पंद्रह, पंद्रह में सात गया तो आठ, ये हो गया पाँच, पाँच में आठ नहीं जा सकता इसलिए इसको बनाएंगे पंद्रह, पंद्रह में आठ गया तो सात, ये हो गया सात, सात में तीन गया तो चार, सात में दो गया तो पाँच। ऐसे ही ये वाली संख्या देखते हैं, तेरह में पाँच गया तो आठ, ये हो गया एक, एक में एक गया तो ज़ीरो, आठ में सात गया तो एक, सत्रह में आठ गया तो नौ, ये हो गया तीन, तीन में तीन गया तो ज़ीरो, चार, चार मतलब चौदह, चौदह में छः गया तो आठ, ये हो गया एक, एक में एक गया तो ज़ीरो। ऐसे ही अभ्यास दिया हुआ है, छः और पाँच सात संख्या वाली, सात संख्या सॉरी अंकों वाली संख्या का घटाना अभ्यास दिया हुआ है, उसे हमें करना है। तो क्या है ये दो, मतलब कि बारह, बारह में नौ गया तो तीन, ये हो गया चार, चार में चार गया तो ज़ीरो, दो में ज़ीरो गया तो दो, दस, दस में एक गया तो नौ, ये हो गया चार, चार में चार गया तो ज़ीरो, आठ में दो गया तो छः, सात में एक गया तो सॉरी सात में छः गया तो एक। वैसे ही छः में चार गया तो घटाना है ना, घटाना चार में, छः में चार घटाएंगे कितना बचेगा दो, आठ में एक घटाएंगे कितना बचा सात, दो में दो
ज़ीरो। 14 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। ये हो गया 1 मतलब कि 11, 11 में 2 गया तो 8। ये हो गया 0, 0 मतलब कि 10, 10 में 5 गया तो 5। ये हो गया 4, 4 में 2 गया तो 2। ऐसी ही सभी संख्याओं को हमें घटाना है। इसी तरह दी हुई जो संख्याएं हैं उन्हें भी हमें घटाना है। 6 अंकों और 7 अंकों वाली संख्या दी हुई है, उन्हें हमें घटाकर उनके उत्तरों को यहाँ पे लिखना है इसी प्रकार।